इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 40 ओम है, 40 ओम। तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को मैंने जी से रिप्रेजेंट कर दिया, वो 40 ओम लिखा हुआ है। गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 5 डिवीजन्स पर मिली एम्पियर। इस लाइन को थोड़ा ढंग से समझेंगे, 5 डिवीजन्स पर मिली एम्पियर, ठीक है, 5 डिवीजन्स पर मिली एम्पियर, और देयर आर 50 डिवीजन्स ऑन ऑल द स्केल। अब इसको समझते हैं बेटा, ऐसे करके जैसे गैल्वेनोमीटर होता है ना, गैल्वेनोमीटर, तो एक बार और बना देता हूँ, ये बीच में पॉइंटर होता है, तो डिवीजन्स होते हैं ना, ये डिवीजन्स, और जैसे जैसे पॉइंटर मूव करेगा उसकी रीडिंग बढ़ती चली जाएगी, रीडिंग बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे 50 डिवीजन्स हैं पूरे में, कुल मिला के 50 डिवीजन्स। तो यदि ये वाला जो पॉइंटर है, जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है, वो जब यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो हम उसको फुल स्केल रीडिंग यानी आईजी बोलते हैं ना, इस रीडिंग को आईजी बोलते हैं गैल्वेनोमीटर की, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो ये आईजी कैसे निकाल सकते हैं, यदि हमें एक डिवीजन की रीडिंग पता हो और ऐसे टोटल 50 डिवीजन्स हैं, तो आईजी आ जाएगा ना। देखो कैसे कैसे, देखिए इस वाले डायलॉग को पढ़ते हैं और केले वाले मेथड से करते हैं। 10 रुपए के इतने केले, तो 4 रुपए के कितने केले, यूनिटरी मेथड। सिंस 5 डिवीजन्स, जब ये स्केल 5 डिवीजन क्रॉस कर लेता है, 5 डिवीजन्स क्रॉस कर लेता है, तो कितनी रीडिंग जनरेट करता है वो, 1 मिली एम्पियर, क्योंकि 5 डिवीजन्स पर मिली एम्पियर। तो इसका मतलब यदि ओनली 1 डिवीजन्स शिफ्ट होता तो 5 डिवीजन शिफ्ट होने पर तो 1 मिली एम्पियर दे रहा है, तो एक डिवीजन शिफ्ट होता तो 1/5 मिली एम्पियर रीडिंग देता बस। तो ऐसे कुल कितने डिवीजन से हमारे यहाँ तक आते 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 50 डिवीजन से, तो 50 डिवीजन पे कितना हो गया, 1/5 मिली एम्पियर इंटू 50, तो ये कितना हो गया, 10 मिली एम्पियर। और ये 10 मिली एम्पियर क्या है हमारी, ये आईजी का काम करेगी, फुल स्केल का काम करेगी। बस हो गया सवाल हमारा। अब हमारे पास देखो जी 40 ओम है, आईजी हमारा 10 मिली एम्पियर है, 10 मिली एम्पियर का मतलब 10^-2 एम्पियर है ना। और हमने फिर वो आगे क्या कह रहा है, द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू इट व्हेन अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड। तो जब इस गैल्वेनोमीटर के कॉन्फ़िगरेशन में जब 2 ओम का शंट लगाएंगे, तो वो एमीटर बन चुका होगा भाई, गैल्वेनोमीटर इतना है, अब उसमें 2 ओम का शंट लगाएंगे, तो उसने जो नया एमीटर बनेगा, जो कन्वर्ट होकर आएगा गैल्वेनोमीटर में, पैरेलल में जो शंट लग जाएगा, उसके बाद जो एमीटर बनेगा, इसकी जो रेंज होगी वो पूछिए। तो इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना, एस बराबर आईजी इंटू जी अपॉन आई माइनस आईजी। तो यहाँ से आई माइनस आईजी का फॉर्मूला क्या हो गया, आईजी इंटू जी अपॉन एस। तो पहले इतने को सॉल्व करते हैं, या फिर आई इक्वल टू, इसको वहाँ ले जाए आईजी को, तो ये प्लस हो जाएगा और आईजी कॉमन आ जाएगा, जी अपॉन एस प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आईजी हमारा कितना है, 10 आईजी कहाँ सॉल्व किया था, हाँ ये रहा, 10^-2, और जी कितना है हमारा, जी 40, शंट कितना है हमारा, 2 ओम प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 20/21, ये हो गया ना 20/21 10^-2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक जीरो और दे देते, 210 मिली एम्पियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा कैमरा ऊपर करता हूँ मैं, आ जाए तो सॉल्यूशन का ले लीजिए। तो ऑप्शन देखिए हमारा क्या रहा, ये रहा 210 मिली एम्पियर। ओके,